हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे रहें और सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। तो गाइस, यहाँ होली है लेकिन हम लोग नहीं मना सकते, आप लोगों को पता है, जैसे कि मम्मी जी अब नहीं हैं। तो इसलिए जो होली का त्यौहार है वो बहन बेटी उठाती हैं। तो किस तरीके से जो हमारी बुआ जी हैं यहाँ पर होली मना रही हैं, उन्होंने जो मार्केट में बलगुरियाँ मिलती हैं वो मंगाई हैं और उन्होंने खुद ने ही जलाई है ये होली, और वो खुद इसकी परिक्रमा वगैरह लगाएंगी और इस तरीके से वो होली मनाएंगी और फिर सबके हमारे तिलक लगाएंगी और ये होले का और जौ का प्रसाद सबको देंगी। फिर इसके बाद है ना, फिर हम सब है ना, जो बच्चे हैं ना घर के, वो सारे होली मनाएंगे, फिर वो सब हमको तिलक लगाएंगे। गाइस देखिए, अब ये सब भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना फिर ये तीज त्यौहार भी इस छोड़ नहीं सकते हैं। बस यही है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ से निकलने में, लेकिन निकलना तो पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं अभी तक ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बिल्कुल भी मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले हैं और ना मैं लाइव आई हूँ एक बार भी। फेस लाइव तो मैंने अभी बिल्कुल भी करी नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने नहीं करी है। तो चाची जी यहाँ पे बीन रही हैं होले जो गिर गए थे ज़मीन पे, और ये बहुत करारे करारे से होते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं कब हमें प्रसाद मिलेगा। तो ये सारे लोग बातें कर रहे हैं आपस में, ये दोनों भी मेरी चाची जी हैं, यहाँ पे सब मेरी चाची जी हैं, इवन एक मौसी जी हैं, और ये हैं मेरी मम्मी की सगी बहन। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, जहाँ पे हमने होली जलाई थी उसके घर में नीचे जा रही हूँ। आप मेरा चेहरा देख ही रहे होंगे कि मेरी शक्ल देखने लायक नहीं हो रही है, अभी बिल्कुल बेकार हो रही है। तो गाइस अब हम सब जा रहे हैं अपने घर की तरफ, वहाँ पे पंडित जी आने वाले होंगे, वहाँ पे होगी पूजा। तो ये मनस्वी डांस करती हुई जा रही है, ये है चांदनी और ये भैया। यहाँ पे पंडित जी आएंगे, अभी होगी गरुण पुराण की कथा। तो सामने मम्मी जी की फ़ोटो है, सब लोग वेट कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे तो कथा सुनाएंगे। फिर उस कथा में सारा व्यतीत होता है कि आत्मा को क्या क्या झेलना पड़ता है धरती छोड़ने के बाद, जो ऊपर उसके साथ क्या क्या होता है उस पुराण में सब कुछ लिखा होता है। तो वो जो कथा है वो सब हम डेली ध्यान से सुनते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम फॉलो करेंगे वो सारे नियम बाकायदा, और जो नहीं कर पाए तो उसके लिए भगवान माफ़ करेगा, लेकिन जितना हो सके हम वो सारे नियम फॉलो करेंगे। तो गाइस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरी मम्मी जी के लिए, आत्मा की शांति के लिए आप लोग प्रेयर करें ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का, बुआ जी के सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने कहा बुआ इधर देख लो तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो बोली तू तो वीडियो बना रही है, मैंने कहा क्या करूँ फिर मैं बोर हो रही हूँ। तो बोले बना ले, तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, वीडियो तो डालती है तू, तो डाल देना, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे वो दोनों सामने भैया बैठे हैं, तो वो सभी लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का, और साथ में ना नल भी आने वाला है। तो हमने टंकी सामने रख दी है पानी भरने के लिए यहाँ पे, और चांदनी गूंद रही है आटा, और शीतल यहाँ खड़ी है। यहाँ पे सभी लोग गाइस हेल्प करते हैं, सारे लोग हेल्प करते हैं, कोई आटा गूंथता है, कोई आलू काटता है, मतलब कोई सब्जी काटता है, कोई चौकता है, कोई रोटी सेकता है, कोई लोई बनाता है, क्योंकि बहुत सारे जनों का खाना बनता है, इवन 30 से 40 लोगों का। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।